डोंगरी से रिश्ता रखने वाला मुस्लिम लड़का बना अमेरिका में पुलिस अधिकारी। अब्बू के हाथों सीने पर लगाया यूनुस ने पुलिस बैच। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे युवक की, मुस्लिम युवक की खबर बता रहे हैं जो कि न सिर्फ मुस्लिम युवकों के लिए बल्कि सभी युवाओं के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण बन सकता है। ये लड़का है यूनुस खान। और क्यों हम आपको इसकी खबर बता रहे हैं, तो यूनुस खान अमेरिका में कोलंबस में ओयो पुलिस विभाग में पुलिस अधिकारी के तौर पर सिलेक्ट हो चुका है। वहीं कौन है यूनुस खान, तो आइए बता दे, यूनुस खान की पहली पहचान है मुंबई के दक्षिण मुंबई इलाके में, डोंगरी इलाका है। यहां पर रहने वाले अल्ताफ खान जो 1992 तक डोंगरी में रहते थे, उसके बाद वो यहां से अमेरिका चले गए और अमेरिका में वहां पर सेटल हो गए। उन्हीं का लड़का है यूनुस खान, जिसने हर तरह की परीक्षाएं पास करते हुए अमेरिका के कोलंबस में ओयो पुलिस विभाग में पुलिस अधिकारी की ये एक रेपुटेड सर्विस जो है वो हासिल की है। अपने काबिलियत के बल पर, अपनी पढ़ाई के बल पर, अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बल पर। तो आप पढ़ाई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इन तमाम चीजों को अगर अच्छे से करते हैं तो उसके नतीजे कितने बेहतर हो सकते हैं, उसका उदाहरण यूनुस खान ने अमेरिका के कोलंबस से पेश किया है, वहां के ओयो विभाग में पुलिस अधिकारी बन करके, वहां रुजू होकर के। इस सब समारोह के हम वीडियोस भी आपको कुछ दिखाएंगे। ये तमाम जानकारी हमें मुहैया कराई है मुंबई के जाने माने सोशल एक्टिविटीज राजनीतिज्ञ खालिद मामू। खालिद मामू के बहन है रूबीना खान और उनके बहनों ही है अल्ताफ खान जो दक्षिण मुंबई के डोंगरी में रहते थे, और उन्हीं का बेटा है यूनुस खान। देखिए किस तरह से पुलिस विभाग के समारोह में अपने पिता, अपने अब्बू अल्ताफ खान के हाथों यूनुस खान ने पुलिस का बैज अपने सीने पर लगाया है। ये एक गौरवान्वित वाला क्षण है, एक अपने आप में फक्र का लम्हा है हर माँ बाप के लिए और समूचे मुस्लिम समाज के लिए, जहां दुनिया भर में मुस्लिम और इस्लाम निशाने पर है। ऐसे में इस प्रतिकूल माहौल में यूनुस खान जैसे युवा जो है एक नई रोशनी लेकर के उभर रहे हैं। This is my fault. I said, how are you? Now, right now. Officer Unit. Yeah, Hamza. Just wait, Hamza.